जे रोटी नहीं पकाई अजे मैं क्या पहला कपड़े ही धो लो। कपड़े धोने नहीं है ना, गल तो यह ने ड्राई क्लीन वाले कपड़े। देखो जी कोई 2-3 हज़ार का कमीज बनया होना जो बनाया सी, तो 500 रुपया ड्राई क्लीन वाला लै जाता। मेरे तो जी नू कुछ होंदा, ये भी ड्राई क्लीन वाला है, तो ये भी ड्राई क्लीन वाला है, देखो तो ये भी ड्राई क्लीन वाला है। हुण हर वारी हुण तो सूटां दे 700-700 रुपये लैन लग गए कहिंदे, ते मेरा तो दिल घटदा है भाई इन्ना पैसा देन लग्या ड्राई क्लीन नू। ते मेरे एक आंटी सीगे ते वो मैनू कहिंदे पुत्त घर ड्राई क्लीन कर लिया कर। मैं क्या है आंटी, वैसे मेरे एक रिश्तेदार भी सी यमुनानगर डायमंड ड्राई क्लीनरस, उन्होंने जो मैं घर गई तो मैं लगा मैं पहला इंज लगता से जिम्मे सारे पेट्रोल च ही धोपते हैं, नहीं कपड़े कैमिकल आंदा वो धोपते हैं, पर मेरे आंटी धोते टर्पेंड ऑयल नाल पानी नहीं से लगता, सिल्क बहुत अच्छी धोपती सी। लेकिन मैं जड़ा हूँ धो रही हाँ ना वो धोवगी जी उस जड़े आप आम डिटर्जेंट होंगे ना वो कपड़िया तो बड़े हार्ड होंगे ने, लेकिन सानू चाहिए होंगे कपड़े धोने वास्ते कोई सॉफ्ट जहा डिटर्जेंट। हूँ सॉफ्ट डिटर्जेंट या तो वूलन जड़े कपड़े धोने वाले होंगे ने वो वाला पाया जा सकता है, पर मैं तो ना अद्धे काम शैंपू नाल ही सवार लैनी हाँ। तो ये ना पानी लै लिया मैं इतने पानी दिखाओ जी, पानी लै लिया मेरा ध्यान ना बाहर वो पंछी वाल जा रहा। सुरजीत दिखाई जरा पंछी, आ देखो मेरा ध्यान ना उधर ही पिया इतने किड्डा लंबा और लंबी पूछ वाला है ना। हाँ जी। ये की है पंछी केड़ा है, अंकल नूं बुलाओ वो दसणगे, एक मिनट उड़ ना जाए। तो मतलब असी शैंपू पा लेना तो इनू हिला लेना, पानी जड़ा है वह ठंडा ही रखना, ठीक है जी। अगे दिखाओ झग बन रही है, और शैंपू की जगह तुम जो वुलन वाले आते हैं ना डिटर्जेंट वो सॉफ्ट होंगे ने वो पा सकते हो, लेकिन सर्फ नहीं पाना, सर्फ जोड़े हैं हार्ड होंगे हैं डिटर्जेंट। तो एक मिनट होल्ड करो, वह बैठा है जी मैं हाए हाए पूरी नीम हिला के पूरे पीले पत्ते ही कट छे ने कि इन्होंने। चलो चलो जी बहुत वधिया लग रहा है मैनू, तो मैं इतने ही खड़ी हाँ तो ये बैठे ने। लो जी इधर रोटी अजे बनानी है तो ये काम शुरू हो गया। ये जी शैंपू जोड़ा है ना कोई भी लै लो, लेकिन ये कोई ड्राई ये वो कोई वाला भी नहीं लोड़ होंगी कुछ भी। तो ये ना हूँ असी जड़ी चीज़ पानी है जिदे नाल इन्हें साफ होना है वो जी बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर तुसी एक वैसे कई लोग मिठा सोडा भी पा लेंदे ने, पर मैं बेकिंग पाउडर जड़ा है ना वो यूज़ करती हाँ। हूँ की है बेकिंग पाउडर ना थले जम जाएगा, जमे ना इस करके आपां अच्छी तरह नाल हिला लैने। मैं कपड़े ड्राई क्लीन कर रही हाँ बिलजे, तो इनू जी इन्ना असी चंगी तरह हिला लिया। हूँ मेरे को 3 तरह के सूट ने, ते जिदे विच्चों सब तो पहला मैं धोवांगी वाइट, क्योंकि वाइट दूजे दा रंग डर हुंदा भी रंग ना किधरे उतर जाए। इनू जी इस तरह बेकिंग पाउडर पाया ते इहदे नाल की हुंदा जी कपड़े आम तौर ते धोण नाल ना सुंगड़ जांदे ने, जे असीं इंज धोवांगे ते सुंगड़नगे भी नहीं, ते ये प्योर दे ने, ये प्योर दे जिहड़े कपड़े है आलमोस्ट लोग ड्राई क्लीन ही कराउंदे हैं। पर मैं उही गल दसी ना किन्ने कु ड्राई क्लीन कराए बंदा, ते कुछ भी नहीं करना, इदा ही जिवें कपड़े आप मली दे ने। इवें मैं तो उत्थे अपने अंकल दे घर जिथे डायमंड ड्राई क्लीनर जड़े सिगे उन्होंने घर पिछे मैं वेखे कपड़े धोपते, मैं तो अपनी मम्मी नूं आख्या आके, मैं क्या मम्मी वो तो कोई वो नहीं, वो कहिंदे होर पेट्रोल बारा खांदा है कपड़े धोण वास्ते, तो सो कई धोंदे भी होणगे, मतलब कुछ कपड़े जड़े हैं वह धोपते भी होणगे। लो मैं तुहानूं हुण इहनूं निचोड़ के दिखा दिया भी जे भी जिथे भी जेकर कोई मैल है ना, मेरे तो हूँ है नहीं गई मैल जी एवें कहां पई, तो वैसे 2 बारी मैं इनू धो के मतलब भी पा चुकी हाँ। तो यह देखो यह की होंगे भी जो प्योर के कपड़े होंगे ने ना ये की होंगे ने सुंगड़ जाते हैं, थलो लाइनिंग लंबी हो जाती है, वह भी तुहानू एक तरीका दसागी। हूँ इनू मैं पा दिनी हाँ, इधर नीचे कर दौ पानी च,
इत्थे पा लो ठीक है। हुण मेरे कोल आ गई अगली अगली जड़ी है इहदे देखो बहुत सोहणे सिलमे सितारे लगे हुए ने ते हुण सूट तां इह विचारा हो गया है 5 साल पुराना ते मैं 5 तों वी उत्ते ही हो गए ने हैं ते मैं ना हुण किन्नी क वारी ड्राई क्लीन करावां नहीं करा सकते जी मैं हर वारी ड्राई क्लीन दे इन्ने पैसे कौन देंदा है ना ते एवें ही पैसे तो होर भी बथेरे खर्ची देने एवें आ जाता भी हाए सूट तो सीगा 5,000 का तो उत्ते 5,000 ही ड्राई क्लीन का ला बैठी हाँ की किता मैं कुछ भी नहीं तो इनू भी इदा ही असी जड़ा वे नचोड़ के इनू भी कर लाँगे इदा ही तुसी सारे कर सकते हो। मैं तुहानू सारे तो नहीं दिखावांगी लेकिन मैं तुहानू 2-3 जड़े हैं देखो यदा रंग उतरिया ये जड़ियाँ लाइनिंग होंदियाँ ना यदा रंग उतरदा हुंदा क्योंकि लाइनिंग तो डाई करके बनाई होंगी है पक्के कलर तो होंगे नहीं है। एक मिनट बंद कर लो तो मैं वो दिखाती हूँ ये जी मैं हम साफ पानी चो एक बार कर लिया इनू मैं ना टूटी थले हंगाल के लियावांगी दोबारा सारा साबन ये कर लाँगे इनू भी असी इदा ही पानी के कढ के हंगाल के ते नैक्सट जड़ा है वो तुहानू दिखावांगी भी इनू किदां असी बहुत वधिया सॉफ्ट वाला बनावांगे ते फिर करांगे सुकावांगे तो फिर इन्हां दी होएगी आयरनिंग। फस्ट जिहड़ा है ये भी मेरा प्योर दा है इनू भी मैं पा के मल के इनू भी सेम प्रोसीजर नाल कर लैणा पानी विच्चों कढ लिआंदा वे ठीक है पानी चों असीं दोनों कपड़े कढ लैणे हुण की करना लास्ट ये वे इनू असीं चमक कपड़िआं दी ना खराब होवे ते वधिया रवे तो असीं इहदे विच सिरके दे 2 ढक्कन पाओ एक कोई भी सिरका ला लो कोई ये नहीं है भी केड़ा सिरका केड़ा शैम्पू कोई भी ले सकते हो सिरका ले लिया सिरका पा लिया फिर इनू हिला लिया हिला के ते इनू इहदे विच असी डिप करना है ठीक है जी ये असी डिप कर दिता नंबर 1 ते इस तो बाद डिप करके इनू असी 2 मिनट प्या भी रहन दे सकते हो तो इनू अच्छी तरह नाल निचोड़ लेना है। एक निचोड़ लिया हुण इनू पा दिता ठीक है जी इनू पा लिया इनू भी इदा ही इहदी चमक दमक जिहड़ी है इहदे जिन्ना भी इहदे ते कम होया होया वो खराब ना होवे जिन्ना मर्जी हैवी कम होया होवे ते देखो सिल्क के दे जोड़े बहुत वधिया प्योर सिल्क के सूट है मैं नहीं रिकमेंड करांगी भी उन्होंने तुसी ये कुछ करो तुसी जोड़े आम वधिया वाले सूट है प्योर वाले भी नो डाउट प्योर नूं भी आपां ये प्योर ही है जिन्हों मैं धोता है वह भी प्योर है जिन्हों मैं धोता है एक बार इनू परा करिए सुंगड़ जाते हैं ना इदा इन्हों एक पास्यो फड़ा के गिले गिल्लिया ही इदा करके ये प्योर जी है ना शिफॉन है शिफॉन का करैक्टर हों जड़ा कि सुंगड़ जाती है ये जो होर नुचड़ जाएगी एक बार मैं इनू हैंगर च पा देंगी तो कि लाइनिंग जी दूसरा पलटाओ तो इधरले पास्यों भी इसनों इदा ही कर लिया जाएगा। ये जी मेरी अपनी जी इनोवेशन है भी जोड़े कपड़े है उन्होंने इदा करके असी पूरा वो कर सकते हैं ताकि इन्ने नहीं करने भी फाड़ ही लवो फिर पान जोगा भी नहीं जे रहना ठीक है। इनू असी हुण पा देंगे हैंगर च ते लियाओ जी ये देखो जी हैंगर दे विच इदा असी पा दिता इनू जदों थोड़ा जिहा होर सुक जाएगा अगेन इनू इदा करके और लाइनिंग दे बराबर करांगी इनू मैं बस सिर्फ 7 वारी सूट नूं धोता है और इदा ही सुंगड़ जांदा है और इदा ही फिर ड्राई क्लीन वाले नूं भेजो ते चरक चढ़ाउंदे ने लेकिन असी घर ही इहनूं ठीक कर लैंदे आ। इदा ही मैं दूसरा वाला वह सुंगड़दा नहीं है ये वेलवट है ये सुंगड़दी नहीं है इहनूं भी इदा ही हैंगर च पा के ते देखो मैं सब तो टफ वाला तुहानूं धो के दिखाया वे जिहड़ा वाइट वाला है और जदों मैं पावांगी ते तुहानूं दिखावांगी भी लाइनिंग जिहड़ी है बिल्कुल उवें ही है। इहदे भी तुसीं देख लो ये 5 साल पुराना सूट है इदां ही वॉश हुंदा है ये सुंगड़दा नहीं है इहदी चमक खराब नहीं हुंदी ये बिल्कुल वधिया
ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸੁਕਾ ਲਓ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਮਾਰੋ ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਇੰਟੈਕਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਤਿੰਨ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਡਰਾਈ ਕਲੀਨ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਧੋਤੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਅਜਮਾ ਲਿਓ। ਪਰ ਸਿਲਕ ਦੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ।